धनबाद में एक दोस्त ने दोस्ती के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। एक मित्र ने ही दोस्ती के रिश्ते को तार तार कर दिया। पहले उसने दोस्त की प्रेमिका के साथ न सिर्फ कई बार बलात्कार किया और बाद में उनके पास रखे लाखों रुपए और गहने को लूट लिया। दरअसल BCCL के रिटायर्ड तकनीकी निदेशक की बेटी ने अपने प्रेमी के एक दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बैंक मोड़ थाना में पीड़िता ने अपहरण, दुष्कर्म और रंगदारी वसूलने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने धनबाद के तेतुल तल्ला निवासी अपने प्रेमी के दोस्त बादल गौतम के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि बादल गौतम ने झांसा देकर पीड़िता के प्रेमी को अगवा कर लिया। गौतम झांसा देकर दोस्त और उसके प्रेमिका को रांची, दिल्ली और कानपुर ले गया। गौतम ने इन शहरों के अलग अलग होटलों में दोस्त की प्रेमिका से जबरन दुष्कर्म भी किया। इस दौरान दरिंदे बना गौतम पीड़िता की असमत से खेलता रहा और आखिर में उसके पास रखे लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। दो बच्चों की मां से प्रेमिका बनी एक विवाहिता की चौंका देने वाली कहानी जानने के बाद लोग हैरान हैं। धनबाद पुलिस अब इस मामले में दर्ज शिकायत के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। प्रेम, धोखा, हवस और पैसे की लालच के इस कांड में एक के बाद एक शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस शर्मनाक कांड की शुरुआत 11 जुलाई 2020 को कोलकाता के एक घर से शुरू हुई थी। कोलकाता में अपने पति और बच्चों के साथ रहने वाली धनबाद की लड़की शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी, इसलिए सबसे पहले उसने अपने पति और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और मौका देख पति और बच्चों को छोड़ अपने प्रेमी संकेत किशनानी के साथ कोलकाता से फरार हो गई। इस दौरान उनकी मदद धनबाद का रहने वाला संकेत का दोस्त बादल गौतम कर रहा था। भागते वक्त संकेत और पीड़िता के पास लाखों रुपए और कीमती जेवरात थे, जिसे संकेत का दोस्त बादल झांसा देकर अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद बादल मदद की बात कहे अपने दोस्त संकेत और उसकी प्रेमिका को रांची, दिल्ली और कानपुर ले जाता है। इन शहरों में गौतम बादल उन्हें अलग अलग होटलों और फ्लैट में रखता था। संकेत के दोस्त बादल गौतम की बुरी नजर पहले से ही उसकी प्रेमिका पर थी, इसीलिए अकेला पाकर वो लड़की को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म करता है। बादल गौतम के अपराध की दास्तां यही खत्म नहीं होती है। वो मौका पाकर बार बार दोस्त की प्रेमिका से जबरन दुष्कर्म करता रहता है। इस दौरान बादल उन पर प्रभाव जमाने के लिए IPS अधिकारियों के साथ खिंचवाई तस्वीरों का भी इस्तेमाल करता था। इसी की धौंस दिखाकर गौतम दोस्त की प्रेमिका की असमत से खिलवाड़ करता रहा। गौतम बादल न केवल एक हवस का दरिंदा था, बल्कि वो एक शातिर अपराधी भी था। अपराध के दौरान ही पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए बादल गौतम ने अलग चाल चली थी। बादल गौतम ने संकेत को डरा धमका कर उसे धनबाद पुलिस को गलत जानकारी देने के लिए मजबूर किया। गौतम के दबाव में आकर संकेत ने धनबाद पुलिस से अपने फेवर में बयान दर्ज करवा लिया था। इसके बाद बादल उन्हें अपने चंगुल से छोड़ने के एवज में पीड़िता से 25 लाख रुपए की मांग करता है। लॉकडाउन की दुहाई देकर पीड़िता ने 8 लाख रुपए देकर बादल गौतम के चंगुल से अपने प्रेमी के साथ छुटकारा पाया। वहीं धनबाद लौटने के बाद संकेत किशनानी और उनकी प्रेमिका ने धनबाद पुलिस को अपने साथ हुए जुल्म की जानकारी दी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज कराया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं संकेत किशनानी ने कहा कि बादल गौतम ने गन पॉइंट पर उनसे झूठा बयान दर्ज करवाया था। बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है, चूंकि मैं आप लोग के पास पहुंच गया होगा। मैं आप लोग को इतना ही कहूंगा, आप लोग सपोर्ट करिए, गलत को अंदर करवाइए। प्रशासन पे भी बहुत भरोसा है हम लोग को। और जो मीडिया में भी आप लोग आई थी, लड़की आई थी, मुझे तो बयान दी थी बहुत। उस टाइम पे हमको गन पॉइंट पे रख के अनुप्रिया से बयान दिलवाया गया था उनके पिताजी के खिलाफ। और भी धनबाद के दो तीन प्रतिष्ठित लोग हैं। बादल गौतम ने रखवाया था अपने शूटरों के जरिए। और मीडिया बाद में हम लोग आप लोग से पक्का बात करेंगे। मीडिया कर्मी भी एक उसमें इन्वॉल्व है धनबाद के ही, जिनका खुलासा हम लोग बहुत जल्दी करेंगे आप लोग के सामने। अभी बयान बस कुछ देर में होने ही वाला है, प्लीज अभी आप लोग कोऑपरेट करिए। आप लोग से जरूर भैया हम लोग सब करेंगे अभी मानसिक। वहीं धनबाद के सिटी SP आर राम कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की हर पहलू की जांच करेगी। SP ने कहा कि इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इसमें देख लीजिए, बैंक मोड कांड संख्या 248/2020 केस रजिस्टर हुआ है, कल मेडिकल हो चुका है, 164 का स्टेटमेंट हुआ है। और क्या क्या इसमें लीगल प्रोसीजर है, फॉर्मेलिटीज है, उसको हम फिर उसके बाद सुपरेशन होगा, मतलब इसको प्रॉपरली क्या क्या लीगल एंगल है उसको हम जांच करेंगे। ये लड़की है कौन सा? लड़की रिटायर्ड BCCL ऑफिसर का डॉट 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 डॉट।
ये इसमें जांच का विषय है, इसको प्रॉपरली सारे फैक्ट्स को जांच करने के लिए हम कमेंट कर सकते हैं। गलत सूचना देने मतलब भाई लड़की के खिलाफ और ये उसका जो दोस्त है उसके खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई हो, पहला जो गलत कंप्लेंट नहीं, मतलब वो फैक्ट्स को सारा जांच करना पड़ेगा। अभी ये केस हुआ है उसको भी वेरीफाई करना है, पूरा जांच करने के बाद। ठीक, एक पुरानी कहावत है कि धोखा का नतीजा धोखा ही होता है। इस मामले में भी लड़की ने अपने पति को धोखा दिया था, उसके बाद उन्हें उनके प्रेमी के दोस्त ने धोखेबाजी, छिनैती और रेप जैसा जघन्य अपराध किया। पुलिस को बादल गौतम जैसे दरिंदे को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।